अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ SNJ आज आपके लिए स्वीट एंड चिल्ली की चटनी, स्वीट एंड चिल्ली सॉस जो होता है उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। मोस्टली हमारे यहाँ पंजाबी समोसे जो कहलाते हैं आलू के, उनके साथ ही खाई जाती है, लेकिन इसके अलावा भी आप ये इसको पकौड़ों के साथ या ऐस सच किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़े की होती है, जिन्हें थोड़ा सा खट्टा मीठा और स्पाइसी सा फ्लेवर पसंद है उनके लिए ये बहुत मज़े की रेसिपी है। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जी नाज़रीन, हम बना रहे हैं खट्टी मीठी चटनी, और ये थोड़ी सी डिफरेंट है। एक खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इस चटनी को मोस्टली वैसे तो हमारे यहाँ समोसों के साथ खाया जाता है, लेकिन अगर आप जो बाज़ार में मिलती है चिल्ली एंड स्वीट एंड चिल्ली जो मिलती है, ये उस टाइप की है। तो चलते हैं, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसके लिए बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले हमें चीनी चाहिए, 1/2 kg चीनी है। इमली जो है ये सूखी हुई 2 tablespoon, यानी आप इतनी इतनी लें और टेबल स्पून पर रखें तो वो एक यूं करके लेवल सा बन जाएगा ऊंचा, बहुत भरनी भी नहीं है। और ये मैंने रात में भिगो दी थी, तो अब ये फूल के और फैल गई है। इसके अलावा कॉर्नफ्लोर एज़ रिक्वायर्ड होगा कि हमें जितनी थिकनेस चाहिए। इसके अलावा नमक, कुटी लाल मिर्च और फूड कलर। बहुत सिंपल और ईजी रेसिपी है, तो मैं आपको अभी इसकी प्रिपरेशन बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसमें चीनी, इमली, फूड कलर, के अलावा नमक 1/2 teaspoon है, और ये कुटी लाल मिर्च और जो कॉर्नफ्लोर है ये हम बाद में डालेंगे। पहले हम इसको इसके साथ पकाएंगे। तकरीबन 1/2 liter पानी डाल के हम इसको पकने के लिए रखेंगे। जब ये पक जाएगा और ये शुगर डिज़ोल्व हो जाए, और इमली वैसे भी हमने क्योंकि रात भर भिगोई हुई थी सॉफ्ट हुई है, फ़ौरन इसके साथ साथ ही ये जो है अपना रस इसमें छोड़ेगी, तो फिर मैं आगे का आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। अब मैं इसे चूल्हे पे चढ़ा रही हूँ। जी नाज़रीन, ये देखिए हमने जो चीनी डाली थी वो बिल्कुल घुल चुकी है, और ये इसमें पल्प का भी टेस्ट आ गया है। अब मैं इसको स्ट्रेन करूँगी, यानी छान लूँगी, ताकि ये तमाम जो इमली के ज़रात हैं ये सब निकल जाएं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये लीजिए नाज़रीन, हमने इसको स्ट्रेन कर लिया है। अब हम इसमें इस पॉइंट पे ये कुटी लाल मिर्च डाल देंगे 1 teaspoon, और हम 1 tablespoon पहले हम थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालेंगे 1 tablespoon, फिर देखेंगे कि अगर रिक्वायर्ड हुआ तो हम इसमें मज़ीद कॉर्नफ्लोर डालेंगे। आपको पता है कॉर्नफ्लोर ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाता है जिस चीज़ में भी हम कॉर्नफ्लोर डालते हैं। तो अभी जितना हमें ज़रूरत था ये पूरा हो चुका है। अगर हमें मज़ीद ज़रूरत हुई एक दफ़ा इसे ठंडा करके चेक कर लेंगे, और ये ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत पतला। जब ये तैयार हो जाएगा रेडी, मैं आपको वो चीज़ एक दफ़ा दिखा दूंगी कि हमें कितना गाढ़ा चाहिए। जी नाज़रीन, ये चटनी जो है जो हमने बनाई थी, और मैंने आपको कहा था कि मैं इसे ठंडी करके चेक करूँगी, जब मैंने चेक किया तो ये मुझे भी फिर भी पतली लगी। तो अब जो है मैं इसमें 1 tablespoon मैंने फिर कॉर्नफ्लोर घोला है, ये आप देख सकते हैं, और मैं अब भी इसे एक साथ नहीं डालूँगी। ये बात हमेशा याद रखिए, कॉर्नफ्लोर किसी भी चीज़ में डाल रहे हैं तो एक साथ मत डालिएगा,
क्योंकि वो डलते ही एकदम बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए और आपकी सारी चीज़ की जो एक्चुअल शक्ल है वो ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आप जो है उसको एकदम मत डालें, थोड़ा थोड़ा डाल के चेक करते रहें, एज रिक्वायर्ड आपकी चीज़ आनी चाहिए। अब मैं ये 1 टेबल स्पून भी पूरा डाल दिया है, अब मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी। ये लीजिए नाज़रीन, हमारी चिली एंड स्वीट चटनी तैयार है। ये मोस्टली हमारे हाँ आलूओं के समोसों के साथ खाई जाती है, जिसे इंडिया में पंजाबी समोसे कहते हैं। कॉर्नफ्लोर का हिसाब हम एज सच बिल्कुल नहीं बता सकते कि मैं ये कह दूँ कि आप इसमें 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून डालें, हमेशा एक एक टेबल स्पून करके आहिस्ता आहिस्ता इसको चेक करें, और जब आपका एज रिक्वायर्ड, लेकिन ये भी ना हो कि आप बहुत गाढ़ा करते हैं और ये ठंडा होकर बिल्कुल ही जम जाए, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे बहुत इजी रेसिपीज़ मौजूद हैं रमज़ान के हवाले से, इस वक्त दही बड़े, स्प्रिंग रोल, चिकन समोसा, आलू का समोसा, अब ये चटनी है, ग्रीन चटनी, इमली की चटनी, चिकन लॉलीपॉप, बेशुमार इजी रेसिपीज़ मौजूद हैं। तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ इंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Oh.